हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MCQ क्वेश्चन सब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है फिजिक्स से रिलेटेड। हम एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम 1000 से भी ज्यादा MCQ क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज हम जिसका सेकंड सेट कवर करेंगे जिसमें हम 50 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ये सीरीज इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सीरीज अलग से अपलोड की जा रही है। तो चलिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला सवाल। आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी दैट कैन हार्नेस हीट स्टोर्ड बिलो द अर्थ सर्फेस इज नोन एज। आपका करेक्ट आंसर है सी, जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन अ स्टीम इंजन मे बी हाई बिकॉज। आपका करेक्ट आंसर है बी, देयर इज हाई टेम्परेचर इन साइड द बॉयलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी इज। आपका करेक्ट आंसर है ए, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क इन अ क्रीम सेपरेटर बिकॉज ऑफ। आपका करेक्ट आंसर है बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स विद। आपका करेक्ट आंसर है सी, अल्टरनेशन करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द अर्थ द वेट ऑफ अ बॉडी इज मैक्सिमम एट दी। आपका करेक्ट आंसर है सी, पोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट मेकिंग फिजिकल कॉन्टेक्ट विद इट इज। आपका करेक्ट आंसर है बी, रिमोट सेंसिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स इज। आपका करेक्ट आंसर है बी, कॉनकेव मिरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी विद द यूज ऑफ अ फोटोवोल्टिक सेल रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ। आपका करेक्ट आंसर है सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फील्स वेटलेसनेस बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज। आपका करेक्ट आंसर है बी, जीरो एट दैट प्लेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर यूनिफॉर्मली फॉल्स ऑन ग्राउंड एट अ डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द हाइट ऑफ टावर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाथ्स विल बी ट्रांसफर्ड बाय द पार्टिकल। आपका करेक्ट आंसर है बी, पैराबोलिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाई। आपका करेक्ट आंसर है ए, नॉल एंड रुस्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ बॉटल ऑफ सेंट इज केप्ट ओपन इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम इट्स ऑडर इज फेल्ट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम दिस इज ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ। आपका करेक्ट आंसर है डी, डिफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्लियर नाइट्स आर कोल्डर देन क्लाउडी नाइट्स बिकॉज ऑफ। आपका करेक्ट आंसर है ए, रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इज द ग्रेटेस्ट इन। आपका करेक्ट आंसर है सी, ग्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस थर्मामीटर इज मोर सेंसिटिव देन अ लिक्विड थर्मामीटर बिकॉज अ गैस। आपका करेक्ट आंसर है बी, एक्सपेंड्स मोर देन अ लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सनग्लासेस। आपका करेक्ट आंसर है डी, क्रुक्स ग्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। आपका करेक्ट आंसर है सी, रिमेन्स अनऑल्टर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज दे।
आपका करेक्ट आंसर है सी, प्रिवेंट द हीट ऑफ द बॉडी फ्रॉम एस्केपिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस द कूलिंग? इसका करेक्ट आंसर है डी, नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई आर वी एबल टू हेयर शॉर्ट वेव्स ब्रॉडकास्ट बेटर देन लॉन्ग वेव ब्रॉडकास्ट? आपका करेक्ट आंसर है ए, शॉर्ट वेव्स आर मोर एनर्जेटिक देन लॉन्ग वेव्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप्स सडनली इट इज एन इंडिकेशन ऑफ? आपका करेक्ट आंसर है बी, स्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज? आपका करेक्ट आंसर है ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? आपका करेक्ट आंसर है सी, कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग? आपका करेक्ट आंसर है सी, फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन आइस मेल्ट्स इट्स? आपका करेक्ट आंसर है ए, वॉल्यूम डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ बाय? आपका करेक्ट आंसर है ए, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क? आपका करेक्ट आंसर है सी, ड्राइविंग अ कार टू कवर अ डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट? आपका करेक्ट आंसर है बी, इंफ्रारेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इज इक्वल टू एम टी प्लस सी देन द पार्टिकल इज मूविंग विद? आपका करेक्ट आंसर है सी, कॉन्स्टेंट एक्सिलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑकर्ड्स फर्स्ट? आपका करेक्ट आंसर है बी, गुग्लीलियमो मार्कोनी सेंट आउट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द बस टेक्स अ सडन टर्न, दिस हैपेंस ड्यू टू? आपका करेक्ट आंसर है बी, इनर्सिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? आपका करेक्ट आंसर है बी, डिक्रीजेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू? आपका करेक्ट आंसर है डी, वैक्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ? आपका करेक्ट आंसर है ए, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज? इसका करेक्ट आंसर है ए, इट हैज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम? आपका करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट फास्टर? आपका करेक्ट आंसर है बी, रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ व्हीकल पासिस टीवी रिसेप्शन गेट्स डिस्टॉर्टेड दिस इज बिकॉज?
आपका करेक्ट आंसर है सी, स्पार्क प्लग क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी एमिटेड बाय द सन इज ड्यू टू, आपका करेक्ट आंसर है ए, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्काई अपियर्स ब्लू बिकॉज ऑफ, आपका करेक्ट आंसर है ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, आपका करेक्ट आंसर है बी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल राइजेस अप द विक इन अ लैंप बिकॉज, आपका करेक्ट आंसर है बी, ऑफ द कैपिलरी एक्शन फिनोमिना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एटमोस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर एब्जॉर्ब बाय, आपका करेक्ट आंसर है डी, बोथ ए एंड सी, यानी कि ओजोन एंड ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरर ऑफ हीटिंग एलिमेंट्स प्रोवाइडेड इन इलेक्ट्रिक आयरन, आपका करेक्ट आंसर है ए, नाइक्रोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप बिकॉज, आपका करेक्ट आंसर है सी, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉल एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज अ डायरेक्ट, आपका करेक्ट आंसर है ए, पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आर मीजॉन्स फाउंड, आपका करेक्ट आंसर है सी, कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स आर ड्राइड अप इन विंटर ड्यू टू फ्रॉस्ट बिकॉज, आपका करेक्ट आंसर है सी, देयर इज मैकेनिकल लॉस ऑफ टिश्यूज एंड ड्रॉट कंडीशन प्रिवेल्स। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फॉर अ बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, एंड आपका करेक्ट आंसर है ए, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ईबुक्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पीडीएफ ईबुक्स के लिए वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।